દ્વારકાધીશ મંદિર અને દ્વારકા એવી જગ્યા છે કે જ્યાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે. અહીંયા અતિરથી અને મહારથીઓ પણ આવતા હોય છે, પરંતુ ક્યારેક કેટલાક એવા ખાસ લોકો આવે છે કે જે ખાસ ઈરાદાથી આવતા હોય છે અને દ્વારકા ટુડે એના સાથે મુલાકાત કર્યા વગર રહેતું નથી. આજે એવી જ એક મુલાકાત આપણે કરવાની છે. આપણી સાથે સમરસિંહ છે કે જેઓ ખાસ એક રાષ્ટ્રભાવનાથી એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના જે ફેલાવો થાય એવા ધ્યેય સાથે તેઓ નીકળ્યા છે. કેવડિયાથી તેમણે એક યાત્રા શરૂ કરી છે. તેઓ ચાલીને નહીં પણ દોડીને આવ્યા છે. દોડીને તેઓ ક્યાં ક્યાં ટ્રેક પરથી આવ્યા છે એ પણ આપણે એમની સાથેથી જાણીશું. તો તેઓ ખાસ એક ભારત કે વીર શહીદ એમના માટેની જે એક એપ્લિકેશન છે એ એપ્લિકેશન જે ભારત સરકાર દ્વારા અને જેનું સ્પોન્સર જે છે અભિનેતા અક્ષય કુમાર કરી રહ્યા છે, તો એ એપની જનજાગૃતિ માટે તેઓ ચાલીને નહીં પણ દોડીને ભારત ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે સમરસિંહ છે. આપ કેવડિયા સાહેબને જો શરૂઆત કી થી ઓર કહેવા માગીશ કે તેઓ સિવિલિયન છે, તેઓ ફોજી નથી. કે લીએ નિકલે હો અભી ઓર આપ કિસ ટ્રેક સે હુકર આયે ઓર અભી યે જો મોનસૂન કા જો અભી યે બારિશ કા જો મોસમ હૈ તો કિતની દિક્કત હો રહી હૈ કૈસે હો રહા હૈ. ઓકે, જે જય શ્રી જય દ્વારકાધીશ જય શ્રી કૃષ્ણ. दोस्तों, मेरा नाम समीर सिंह है. 21 जून यानी योगा डे पे हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से एक प्रोवीरा यूनिटी रनोथन की शुरुआत की थी. इसका जो हमारा कोर्स था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत या सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विजन था उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हमने ये इसकी शुरुआत की थी. और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के से हमने वडोदरा से अहमदाबाद गांधीनगर, वहाँ से सीएम साहब से मिला गांधीनगर में, और फिर अहमदाबाद और फिर राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर और आज हम यहाँ द्वारकाधीश के चरणों में हैं. तो सरदार पटेल जी का बहुत अच्छा विजन था, एक भारत श्रेष्ठ भारत. जब भारत आगे बढ़ेंगे तो हम सब स्वाभाविक बात है हम पहुँच जाएंगे. तो बस इसी को हम जन जन तक पहुँचाने के लिए ये कर रहे हैं. एक्चुअली हमने ऐसे तो बहुत बड़ा प्लान किया था कि हमने जैसे सरदार पटेल ने 562 रियासतों को भारत में विलीन किया था, जिसमें से जूनागढ़, श्रीनगर और हैदराबाद ये तीनों मेन था. तो हमने सोचा था कि हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से स्टार्ट करके जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और वापस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे इसका इस यात्रा को पूरा करेंगे. बट मेरा बैक पेन में है ना, मतलब पसली में बहुत दर्द बढ़ गया. अभी भी मुझसे खड़े नहीं रहा जा रहा, अंदर बहुत दर्द हो रहा है. और तो जिसकी वजह से कुछ डॉक्टरों ने भी सलाह दिया कि आप इसको थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दो. तो ऐसा हमारा अभी क्या बोलते हैं, संशोधन चल रहा है, विचार हो रहा है कि हम द्वारकाधीश के चरणों में इसको ये कुछ समय के लिए होल्ड करें या पूरा करें और फिर नए से थोड़े समय बाद शुरू करेंगे इसको दोबारा. तो अपील करना चाहें लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, मैं युवाओं के लिए भारत के उन सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत. सोचो ज़रा, आज अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका आगे है, अमेरिका का लोग भी उसके साथ साथ आगे है. दुबई को आप देख लो इतना आगे है क्योंकि दुबई स्टेट, मतलब दुबई जो कंट्री वो आगे है, इसलिए पूरा वहाँ के लोग भी आगे हैं. जिस तरह हमारा भारत आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे. और देखो ना, भारत डिजिटल हुआ, इसमें और बहुत तरक्की कर रहा, हम सही मार्ग में हैं. ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जो भारत विश्व गुरु बन जाएगा. नहीं, वो तो पुराना है. जो 2017-18 में पूरा भारत भागा था, 1 दिसंबर 2017 को हमने वाघा से शुरू करके द्वारका होते हुए कन्याकुमारी, कलकत्ता, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट होते हुए 7 महीना 6 दिन में 14,195 किलोमीटर का सफर हमने तय कर चुके जो पहले किया था. हाँ, भारत के वीर एक एप्लीकेशन है जो अक्षय कुमार जी कहने पे होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था. उसके प्रचार के लिए हम पहले ऑलरेडी दौड़ चुके हैं. ये अभी सरदार पटेल जी की. जी 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 जी, એકદમ ઉમદા વિચારથી જે છે તેઓનો ઈરાદો પણ એક ઉમદા છે કે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતથી લઈને તેઓ જનજાગૃતિ માટે જે છે દોડી રહ્યા છે. ભગવાન દ્વારકાધીશ પાસે આપણે સૌ કોઈ પ્રાર્થના કરીએ કે એમની આગળની જર્ની અને એમનું બેક પેન જે છે એમાં રાહત કરે ભગવાન, અને આગળની જર્ની જે એમના ઈરાદાથી એમણે જે લક્ષ્યથી ચાલુ કર્યું હતું એ લક્ષ્યને તેઓ પૂરું કરી શકે. આપને પણ જો આપણા વાતથી મંજૂર થતા હો, એમના આ લક્ષ્યથી મંજૂર થતા હો, તો ચોક્કસ તે વિડીયોને શેર કરજો. ફરીથી મળીશું દ્વારકાથી આવી જ માહિતીઓ માટે. થઈને લાઈક, કોમેન્ટ એન્ડ શેર દ્વારકા ટુડે. વૃંદા પાટિયા, સૌને જય દ્વારકાધીશ.